हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता केक्स एंड मोर। तो आज मैं एक नया स्नैक्स लेकर आई हूँ आपके लिए और उसे हम कहते हैं सोया का स्नैक्स है ये। तो ये है तंदूरी सोया। ये उस तंदूरी सोया से एकदम डिफरेंट होगा जैसा कि आप बाजारों से खाते हैं। और एक और बात, इसमें कहीं आपको तंदूर की ज़रूरत भी नहीं है। तो जिनके घर में तंदूर नहीं है उन्हें भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम बनाएंगे कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सोया चाप बाज़ार में इजीली अवेलेबल होती है हमने वही ली है इसके लिए। और आप उसे लेकर के बस एक हल्के गर्म पानी में बॉईल कर सकते हैं। और साथ में ये सारे मसाले हैं। ये हमने लहसुन और अदरक की पेस्ट ली है। मैंने अदरक को ग्रेट किया हुआ है और ये लहसुन की पेस्ट है। साथ में मैंने लिया है 3 हरी मिर्चें। आप हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। ये करीब 1 से 1.5 चम्मच कसूरी मेथी है। और ये है हमारा 1 से 1.5 नींबू का रस। नींबू के रस का इसमें बहुत अच्छा रोल है, उसी से उसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। ये है मेरा सॉल्ट, हल्दी, लाल मिर्च और ये जो मसाला है ये मेरा थोड़ा सा गरम मसाला लिया है मैंने। आप गरम मसाले की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। और ये कुकिंग मैं सारी सरसों के तेल में करूँगी। तो मैंने यहाँ पर ये सरसों का तेल लिया है। देखिए, मैंने आपके लिए पहले ही 1 घंटे पहले ही मैरिनेट करके रख लिए थे। ये सारी चीज़ें डाल करके मैंने इन्हें मैरिनेट कर लिया है। और मैरिनेट करके आपको करीब 1 से 1.5 घंटा इसे छोड़ना होगा जिससे सारे मसाले इसके संग अच्छे से मिल जाए। और बस इसके बाद हम इन्हें सेकना शुरू करेंगे। चलिए हम इसे सेक लेते हैं। ये मेरा पैन है जिसे मैंने अच्छा सा गर्म कर लिया है। और इसमें मैं करीब 1 सर्विंग स्पून सरसों का तेल डाल रही हूँ और इसी को मैं पूरे पैन में लगा लूँगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं या तो देसी घी में कुकिंग करती हूँ या सरसों के तेल में। और उससे भी एक बात ऐसी है, मैं अपने सोया सिकने के लिए रख रही हूँ। तो मैंने काफ़ी बड़ा पैन लिया है जिसमें आराम से 5 से 6 सोया मेरे सिक जाते हैं। और क्योंकि इसमें गरम मसाले हैं और बहुत कम ऑयल में मैं बना रही हूँ तो ये बहुत अच्छा तंदूरी का इफ़ेक्ट देते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। एक चीज़ और, जब हम इनको मैरिनेट करते हैं तो मैंने इनके मैरिनेशन में 1 बड़ा सर्विंग स्पून सरसों का तेल डाला है। सरसों के तेल का एक अपना फ्लेवर है जो कि खाने में इंडियन स्पाइसी फ्लेवर के संग बहुत अच्छे से जाता है। और इंडियन खाने में उसका एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये करीब 5 से 6 मिनट लेंगे जिसमें से 3 से 4 मिनट में ये एक साइड से सिक जाएंगे। फिर हम इन्हें पलट देंगे और फिर ये दूसरी साइड से सेकेंगे इनको हम। देखिए, ये हमारे एक तरफ से बहुत अच्छे सिक गए हैं। अब मैं इन्हें पलट रही हूँ। ये करीब 3 से 4 मिनट में एक साइड से सिक जाते हैं। देखिए, इनका कलर बहुत अच्छा आ गया है। बस अब इसे अगली साइड होने में भी 3 से 4 मिनट लगेंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया ही था, जब आप बाज़ार से सोया लाते हैं तो आप इसे हल्के नमक के पानी में करीब 5 से 7 मिनट ब्लांच कर लें तो ये बहुत अच्छे से गल जाते हैं। और यहाँ पर हमें सिर्फ सेकने का काम रह जाता है। देखिए, अब ये दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छे सेक गए हैं और ये मुश्किल से 5 से 7 मिनट में तैयार हो गए हैं। बस अब मैं इनकी प्लेटिंग करूंगी, मैं इन्हें सर्व कर दूंगी। और ये बहुत अच्छे गल भी गए हैं। चलिए, मैं इन्हें सर्व कर लेती हूँ। अब ये मैं इनको 2 तरह से डेकोरेट कर रही हूँ। एक तो आप इसे पूरा साबुत भी रख सकते हैं और दूसरा, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इन्हें ऐसे कट करके, और मैं इसको क्रीम के संग करूँगी। ये देखिए, ये इतनी आराम से कट हो जाते हैं।
ये पूरा सोया आपका बहुत ही आराम से कट हो जाएगा। और जब आप बच्चों को सर्व कर रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा क्रीम के साथ सर्व कर सकते हैं, और अगर आप बड़ों को सर्व कर रहे हैं तो आप नॉर्मल इसको सर्व कर सकते हैं ऐसे। डैश ऑफ लेमन, कोरिएंडर, और मैं प्रेफर करती हूँ इसमें थोड़ा सा लेमन जूस। आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा लेमन जूस। और ये आपके इतने खूबसूरत से तैयार हो गए हैं। देखिए ये मैं बच्चों के लिए डेकोरेट कर रही हूँ। ये मैं अपनी सोया पीसेस को ऐसे लगा के, और थोड़ा सा क्रीम जरूर डालें बच्चों के खाने में, एक तो हेल्दी है उनके लिए, और दूसरा अगर उन्हें थोड़ा सा भी कोई चीज़ स्पाइसी लगती है तो वो क्रीम से लाइट हो जाती है। मैं अमूल की क्रीम यूज़ करती हूँ। देखिए देखते ही ऐसे लगता है कि बस हम बनाएं और खा लें। और आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको और क्या क्या चीज़ें खानी पसंद हैं, या हम और आपके लिए क्या प्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने बहुत हल्का सा क्रीम डाला है, ये आपके अपने पे डिपेंड करता है कि आपके बच्चों का किस तरह का टेस्ट है। और देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये उतना ही स्वाद है खाने में भी। ये देखिए हमारे सोया तैयार है, और बस अब मैं इन्हें टेस्ट करने जा रही हूँ। आप भी बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोस शेयर करते रहें। थैंक यू।